नमस्कार, आइए आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिए गए 16 पॉइंट को जानते हैं। 16 पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट है, पेशाब करने के बाद मूत्र द्वार को पानी से धो डालोगे, इससे एक तो सफाई रहती है और दूसरे किडनी में पथरी नहीं जमती, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में जल के प्रयोग के लिए श्वास मंजूषा का विधान किया गया है। सेकंड, पुरुष अपने मूत्र नली के अग्रभाग की त्वचा को हर समय पीछे की ओर खिसका कर रखेंगे। मूत्र इंद्रिय का अग्रभाग चमड़े से ढका रहता है, इसलिए पेशाब का मैल वहां प्रायः इकट्ठा हो जाता है, जिससे लिंग संबंधी भयानक बीमारियां हो जाया करती हैं। ऐसे करने से लिंग से संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर के संधि स्थल के रोम कभी नहीं काटोगे। हमारे शरीर के जितने जोड़ हैं, उनमें काक और जांघ सबसे महत्वपूर्ण है। ये बाल हमारे शरीर की गर्मी को बनाए रखने में सहायक होते हैं, अतः इन्हें काटना या बनाना नहीं चाहिए, पर साथ ही इन्हें सफाई के साथ रखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, पुरुष हमेशा लंगोटा का व्यवहार करेंगे। लंगोटा पहने रहने से फोता की वृद्धि की व्याधि नहीं होती, गंदे विचार से भी मन दूर रहता है, इसलिए प्रत्येक साधक के लिए लंगोटा का व्यवहार आवश्यक है। बिना लंगोटा का आसन करना मना है। 5 पॉइंट, व्यापक श्वास विधि का पालन करोगे। व्यापक श्वास से आलस्य जाता है, थकावट दूर होती है, इंद्रियों की उत्तेजना शांत होती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शक्ति बढ़ जाती है, जिससे साधना करने में बड़ी सहायता मिलती है। 6 पॉइंट, नियमित स्नान विधि मानकर चलोगे। स्नान करने के बाद शरीर को तौलिए से पोंछने के पूर्व पितृयज्ञ अवश्य कर लेना चाहिए। 7, सात्विक आहार ग्रहण करोगे। आहार 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जिस आहार से शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचता है, वह सत्वगुणी है, जो शरीर के लिए लाभप्रद है किंतु मन के लिए न लाभप्रद है और न हानिप्रद है, वह रजोगुणी है। पर जो आहार शरीर के लिए न लाभप्रद है और न हानिप्रद है किंतु मन के लिए निश्चित रूप से हानिप्रद है, वह तमोगुणी है, इसलिए सत्वगुणी आहार ही सर्वश्रेष्ठ है। 8, नियमानुसार उपवास करोगे। जिस किसी भी दिन भोजन नहीं ग्रहण करना और मन को परम पुरुष के निकट रखना, ये उपवास हो सकता है, पर किस दिन उपवास रखना सर्वोत्तम है, यह विचारणीय विषय है। प्रतिपक्ष के 11वें दिन से 15वें दिन तक चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसलिए पृथ्वी की तरल पदार्थ का न केवल उसकी ओर आकर्षण हो जाता है, बल्कि तरल पदार्थ में वृद्धि भी होती है। हमारे शरीर में भी तरल पदार्थ है, यदि उस दिन भोजन किया जाए और जल पिया जाए तो शरीर में और भी जल की वृद्धि होगी तथा ऊपर की ओर उसका आकर्षण भी होगा, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। किसी भी पदार्थ का आवश्यकता से अधिक रहना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिप्रद है, इसी से एकादशी के दिन निर्जला उपवास रहने का विधान है और अन्य दिनों के उपवासों से एकादशी के दिन उपवास का विशेष महत्व है। 9, नियमित रूप से साधना करोगे। हमारे मन के 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, जिन्हें सट्रिपु कहते हैं, तथा घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, सील, मान और युगुप्सा अष्टपास हैं, जिनके बंधन में मन पड़ा हुआ है। इन बंधनों को काटना और रिपू से इनकी रक्षा करनी ही साधना है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, प्रणायाम, ध्यान और समाधि साधना के प्रमुख अंग हैं। इसके साथ 9 पॉइंट में सर्वात्मक शौच, यज्ञ जो 4 प्रकार के हैं, स्वाध्याय, मधुविद्या और पांचजन्य भी आते हैं। 10, परम आराध्य इष्ट की मर्यादा रक्षा के लिए अनम्य कठोरता का पालन करोगे। 11, आदर्श की पवित्रता रक्षा के लिए भी अनम्य कठोरता का पालन करोगे। 12, आचरण विधि मानकर चलने के लिए अनम्य कठोरता का पालन करोगे। यम नियम आचरण संहिता का मेरुदंड है। यम नियम के अलावे पंचदश सील और सामाजिक शिष्टाचार भी आचरण संहिता में आता है, जिसके पालन करने का प्रयास प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। 13, चरम निर्देश की पवित्रता रक्षा के लिए अनम्य कठोरता का पालन करोगे। इष्ट के कथन दैवी निर्देश हैं, आप्त वाक्य हैं, उनकी उपयोगिता अनंतकालीन होती है, समय का निष्ठुर प्रहार इन्हें जीर्ण शीर्ण नहीं कर पाता, अतएव उन्हें चरम निर्देश कहा जाता है। 14, शपथ सर्वदा स्मरण रखोगे।
15 स्थानीय जागृति के साप्ताहिक धर्म चक्र में नियमित योगदान आवश्यक कर्तव्य के रूप में करोगे। साधक नित्य अकेले साधना करता है, वह सप्ताह में एक दिन सबके साथ सम्मिलित रूप से साधना करता है। सम्मिलित रूप से साधना करने से प्रत्येक साधक की तरंग से सामूहिक तरंग उत्पन्न होती है, वातावरण पवित्र हो उठता है। चंचल से चंचल व्यक्ति का अभिमन उस वातावरण में ऊपर उठ जाता है, जिससे चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। ईश्वर प्राणिधान में जिनका मन नहीं लगता, धर्म चक्र के कारण उसका ईश्वर प्राणिधान ठीक होने लगता है। 16 CSD के आचरण विधि सेमिनार कर्तव्य कीर्तन मानकर चलोगे।